पिता जा पिताई भिटते वसई नूर मुझु तो पुजायूं ओ पिता जा पिताई भिटते वसई नूर मुझु तो पुजायूं ओ मुझु तो पुजायूं मन जो उमेदू मुझु तो पुजायूं मन जो मुरादू ओ पिता जा पिताई भिटते वसई नूर मुझु तो पुजायूं बको यकी आवत हुदा जवाने पातशाहें के नाम सुभाने ए बको यकी आवत हुदा जवाने पातशाहें के नाम सुभाने कहार अगर पीता जोर जोर माने मेरा अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बेक माय न्यू अनदर व्लॉग वीडियो। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी आपकी दुआओं से ठीक हैं। तो हम कहाँ जाने वाले हैं ये तो आप थंबनेल पे टाइटल पे देखकर अंदाजा कर लिया, पता लग गया। तो जी हमारी जर्नी आज से स्टार्ट है, कहाँ बता दें व्यूअर्स को। अब्दुल लतीफ भिटाई जाने वाले हैं, वो भी बाइक पर। हाँ। बाइक पर तो यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। तो गाइस चलते हैं अपनी सफर की जाने बिना टाइम वेस्ट किए। तो चले इमरान भाई स्टार्ट कर ले। क्या बोला? सब्सक्राइब तो करवा ले। सब्सक्राइब खुद कर लेंगे, आप बोल दो यार। भाई मेरे खाते सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर दे, सब्सक्राइब भी कर दे चैनल पर। न्यू हो तो सब्सक्राइब करना, पुराने हो तो ठीक है लाइक करना। चले इमरान भाई ठीक है बाहर चल के। तो हम जी जाने लगे होए। चले भाई चले 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 उधर से नहीं उधर से साइड से। मेरे ऊपर कुछ गिरा है। क्या गिर गया? दिखाए मुझे, दिखाओ। से गिरा, कुछ नहीं गिरा हुआ पे। ये पोटी है वो, खैर है चिड़िया की पोटी है। भाई यार चिड़िया की पोटी है, इतनी ज्यादा नहीं है, आजा तू, टाइम वेस्ट नहीं कर। तो गाइस प्रैंक हो गया इसके ऊपर ना, चिड़िया की पोटी गिर गई ऊपर से, जो पैड है ना तो उससे जो ना चिड़िया की पोटी गिर गई इसके ऊपर। पोटी करने पता क्या है तू नीचे, तो ये नसीब वाले बंदों को मिलते हैं। तो गाइस चल रहे हैं और आगे की जाने दिखाते रहेंगे आपको। रास्ते में थोड़ा नॉइज का मसला आएगा क्योंकि हवा होगी और जो है ना हमारे पास माइक नहीं है, एडजस्ट कर ले। तो गाइस हम जा रहे हैं, इस वक्त बहुत ही सर्दी भी है और हवा भी चल रही है, जाने के बहुत ज्यादा ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो इतनी ज्यादा नहीं है लेकिन है सही, ये हमें बीमार नहीं करेगी क्योंकि धूप भी निकली हुई है साथ में। और इस वीडियो में आज बहुत ही मजा आने वाला है गाइस, आपको जो है ना वीडियो को एंड तक देखना। हाँ गाइस तो हम जो है ना सिटी में अंदर एंटर हो गए, अब यहाँ से स्टार्ट है जी। अब हम आगे 2 मिनट जो है ना चाय पियेंगे, एक चाय पियेंगे जो है ना। यहाँ से भी रास्ता जाता है लेकिन हम यहाँ से जाएंगे। तो गाइस यहाँ से ना होटल है, हम होटल पे चाय पियेंगे। उसके बाद चाय पीने के बाद जो ना आगे चलते हैं। व्यूअर्स हमारी चाय भी आ गई, ये देखें, शुक्रिया भाई शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो गाइस यहाँ पर जो चाय बहुत ही अच्छी मिलती है और जो है ना चाय दूध पत्ती होती है, बिल्कुल मजेदार चाय। हम जब भी यहाँ आते हैं ना शाम में बिठाई रोड से, तो लाजमी सब्जी की जो है ना चाय जरूर पीते हैं गाइस। तो यहाँ पर ये देखें अल्लाह वाला चौक, यानी कि अल्लाह का नाम लगा हुआ है और उसके ऊपर शाह अब्दुल लतीफ के बैत लिखे हुए हैं। मैं आपको बैत पढ़ के सुनाता हूँ, इस साइड में जो बैत है ना उसकी जो मैं तशरी करके सुनाता हूँ। तशरी तो नहीं, बिल्कुल मैं पढ़ के सुनाता हूँ सिंधी में। अवल नाव अला आला आलम जो धनी कादिर पंजी कुदरत सिंह कायम वा कदीम वाली वाहद वा दऊ राजिक रब रहीम सो सारा सचो धनी चई हम दकीम करे पान करीम जोड़ियों जोड़ जहान जी। तो गाइस आगे चल रहे हैं, जैसा कि यहाँ से जो एंटर हो चुके हैं तो आगे शाह अब्दुल लतीफ भिटाई की दरगाह दरबार है, दरबार के ऊपर चल रहे सीधा चलेंगे। तो यहाँ पर देखें ये रोड है, बिल्कुल यहाँ पे गर्मियों में जो है ना ये जो सड़क जा रही है दोनों तरफ वो इतनी ठंडी होती है क्या बताऊँ।
तो यहाँ से गाइस देखें तो ये एक नदी है शाहब्दुल्लत बिठाई की, तो यहाँ से हम जा रहे हैं ना, तो ये बीच से रास्ता जा रहा है ये देखें, और इस तरफ भी ये देखें नदी है, लेकिन पानी जो है ना इसके बहुत गंदा हो गया, इन्होंने चेंज नहीं किया काफ खाते वालों ने यहाँ पर, ये देखें व्यू। तो यहाँ से आने का रास्ता है और जाते रहे। तो गाइस इतना ज़्यादा सफ़र नहीं था, हम आगे माशाल्लाह आगे सेवन की तैयारी भी करेंगे, इस व्लॉग के बाद जो है ना सेवन शरीफ में जाएंगे, वो उधर का व्यू आपको दिखाएंगे। तो यहाँ से पहले आप देख लें, वाह ये देखें, ये हमारा शाह अब्दुल्लत बिठाई, इसके एक तस्वर के हिसाब से जो है ना मूर्ति बनाई गई है, लेकिन ये तो जायज़ नहीं है मेरे ख्याल से, बाकी आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। और यहाँ से भी रास्ता जा रहा है म्यूज़ियम की तरफ, तो म्यूज़ियम भी चलेंगे बाद में, पहले ये देखें गाइस। तो ये देख रहे हैं आप तंबूरा है, तंबूरा, इसको तंबूरा बोलते हैं, जो शाह अब्दुल्लत बिठाई ने पकड़ा हुआ है, इसकी एक तंद होती है उसको बजाते हैं, तो माशाल्लाह जो है ना बहुत ही प्यारा वो होता है कि आवाज़ें निकलती है, तो वो भी आपको सुनाएंगे कभी नेक्स्ट व्लॉग में जुम्मे के दिन। तो आज हमने इन्जॉय किया यहाँ पे, तो आपको आगे भी विजिट कराते हैं, दरबार पे भी चलते हैं, पहले मैंने कहा ये व्यू आप देख लें, फिर जो है ना हम दरबार के ऊपर चलेंगे, वहाँ बहुत रश होती है, आज तो इतनी रश नहीं होगी, ज़्यादा भीड़ नहीं होगी, क्योंकि जुम्मे के दिन जो होते हैं फ्राइडे वाले दिन काफ़ी लोग आते हैं, जुम्मे की रात हुए ना राग वगैरह चलते हैं यहाँ पर, वो आपको सुनाएंगे ज़रूर। ये बोट रुकी हुई है, ये देखें ये भी बोट है। तो यहाँ पे जो है ना गाइस दूर दूर से जो ट्रेवल करके लोग आते हैं, कराची से भी आते हैं, इस्लामाबाद से आते हैं, लाहौर से आते हैं, पिशावर से आते हैं, कोयटा से आते हैं, पूरे पाकिस्तान के लोग आते हैं अदर फॉरेन कंट्री में। और ये देखें टोपियाँ वगैरह बेच रहे हैं अंकल, कितने की बेच रहे हो, कितने की बेच रहे हो अंकल, 500 रुपए की एक बेच रहे हो, ये टोपी 800 की है, ये 200 की, ये हाथ की बनाई हुई है सारी, हाथ की बनाई हुई, छोटा बच्चा भी 250, कितनी सेल कर लेते हो, कितना कमा लेते हो डेली, वो तो अल्लाह के हाथ में है, हमारे हाथ में तो नहीं है। हाँ वो तो है, रोजी नसीब की होती है, सही कहा आपने, आप भी सारा दिन बच्चे ये काम करते हो, क्या लगते है आपका बेटा, बेटा है आपका बेटा है, आप वो भी बेटा है आपका, माशाल्लाह गाइस। तो यहाँ पर ये रोजी कर रहे हैं। तो गाइस हम ना जो जाने लगे दरबार के अंदर, वहाँ का भी व्यू आपको दिखाते हैं और चलते हैं दरबार की जानिब, तो जुड़े रहना वीडियो में एंड तक। चौक तंबूरा चौक गाइस, तो यहाँ पर ये देखिए, अब दरबार के अंदर हम चलेंगे सीधे दरबार है आगे, चले आगे। हमने रोक दिए, किसी भाई को बोलेंगे अगर गाड़ी 2 मिनट रोकेगा तो भाई चलो पीछे करके रोक। तो ये देखिए मिठाइयों की दुकान है, यहाँ पर ये चीज़ें रखी हुई है, ये पूरी मार्केट है यहाँ पर। ये क्या कर रहा है भाई, 2 मिनट गाड़ी रोके ऊपर जा जाते हैं, ठीक है भाई, ठीक है इमरान भाई, बोल दिया चले आ जाए ऊपर आ जाए। तो गाड़ी जहाँ से हम जाएंगे ऊपर शाहब्दुल्लत की बिठाई, तो बहुत ही मन कर रहा था आ जाने का, और आपको जो है ना यहाँ की ज्यारत भी करवानी थी, तो चलते हैं जी आगे। यहाँ से जो है ना, यहाँ पर जो है ना सबील पिलाई जा रही है, ये एक हिंदू है वाणी उसकी तरफ से लगाई जाती है यहाँ पे, ये देखिए गाइस, तो यहाँ पर तो आगे जाएंगे और आपको एक चीज़ दिखानी है, यहाँ पर जो है ना स्टील का आलम लगा हुआ है ऊपर से, ये स्टील का आलम है, ये गाजी अब्बास का स्टील का आलम है, तो ये 1.5 करोड़ का है, मुझे पता है काफ़ी टाइम पहले ना एक अंकल था बहुत पैसे वाला था जिसको बच्चा नहीं होता था, तो उसने मन्नत रखी यहाँ पे मुझे बेटा हो जाए, ठीक है, तो यानी औलाद हो जाए मुझे, जो उसको औलाद नहीं होती थी, मुझे औलाद हो जाए तो मैं यहाँ पर स्टील का आलम लगवाऊंगा, तो उसने ये देखे ना स्टील का आलम जो है ना लगवा दिया। अब ये देखे गाइस, ये स्टील का आलम लगा हुआ है वहाँ पर, ये देखे सारा स्टील का है। तो आगे गाइस चलेंगे, यहाँ से दरबार है, दरबार का व्यू भी आपको दिखाते हैं, सामने की तरफ जाएंगे, ये देखें ये दरबार है शाह अब्दुल्लत बिठाई की, तो अंदर माशाल्लाह ये लगा हुआ है सामने की तरफ, ये दरबार है। तो वो सामने की तरफ मस्जिद है, वो मस्जिद है,
और यहाँ पर दरबार जंदर चल रहे और यहाँ पर राग वगैरह चल रहे, जैसा कि मतलब यहाँ पे हर डेली राग चलते रहते हैं। लोग जो ना यहाँ पे आते हैं अपनी मन्नतें लेकर आते हैं, तो मुरादें तो वो दिल की मुरादें पूरी हो जाती हैं, तो फिर ये ना यहाँ पर देगी वगैरह देते हैं अपनी तरफ से जो भी है ना। ये स्टील का गेट लगा हुआ है, ये स्टील का गेट है, ये देखें। यहाँ पे हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, हर कम्युनिटी का लोग आता है, हर बिरादरी का लोग आते हैं यहाँ पे। और मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ माशाल्लाह, जो बिल्कुल बिल्कुल दिखाने की चीज़ है। ये देखें गाइस, ये कुरान मजीद है, ये शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने अपने हाथों से जो है ना लिखा था, ये देखें, ये देखें, ये जो ये यहाँ पे है ना, ये अपने हाथों से लिखा था, एक एक वर्क जो है ना, यहाँ से शाहबीब का, ये शाह लतीफ़ बिटाई का जो है ना वालिद है, वालिद मोहतरम, उसका रोज़ा है। यहाँ पे अंदर जाएंगे और आपको दिखाएंगे यहाँ से भी गाइस, तो यहाँ पे भी देखें, बहुत ही सुकून मिलता है ना गाइस यहाँ पे आकर ना, बहुत ही सुकून मिलता है दिल को जो है ना, रात मिलती है ठंडक है, सुकून आराम यहाँ पे आने के बाद। ये रोज़ा है ये पीछे, ये शाहबीब का है, शाह लतीफ़ के बाद तो बाहर चल रहे यहाँ से। ये भी आप देखें ज़रा, ये भी कब्रें बनाई हुई हैं, यहाँ पर भी कुछ बैत वगैरह लिखे हुए हैं, और यहाँ पर ये कुछ कब्रें बनाई गई हैं। यहाँ से ये भी देखें आप, ये कब्रिस्तान है अंदर की तरफ जो है ना, ये कब्रिस्तान है। और यहाँ पर ये देखें फ़कीर, ये देखें खाना वगैरह खा रहे हैं, बिस्मिल्लाह खाएं खाएं, बिस्मिल्लाह आप खाएं भाई। गाइस यहाँ पे जो सहन आप देख रहे हैं ना, कितना बड़ा सहन है, मैं आपको टूर करा देता हूँ सहन की भी, यहाँ से सारा सहन है। और यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा तादाद में ना ये भरा हुआ होता है रात के दिन, रात के टाइम जो है यहाँ पर लोग सोते हैं, आराम करते हैं और आराम भी करते हैं, और यहाँ पर आकर ना बहुत ही सुकून मिलता है लोगों को, काफ़ी दूर दूर से जैसा कि मैंने आपको बताया लोग आते हैं, किसकी मन्नत पूरी हो गई है तो वहाँ से भी लोग आए हुए हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ ना, आए कहाँ से आप? हैदराबाद, हैदराबाद से यहाँ आए माशाल्लाह, कोई मन्नत मांगी हुई थी वो पूरी हो गई, तो अब यहाँ पर ये सारे लोग बैठे हुए हैं, हैदराबाद से आए हुए हैं ये भाई वाले, दूर दूर से। नहीं, 5-6 हज़ार साल पुराना कुआं है एक, लेकिन यहाँ से बंद है अभी, अंदर का तो मैं आपको निकाल दिखा सकता हूँ। यहाँ से जो है ना बहुत ही बड़ा कुआँ है, ये जालियाँ वगैरह लगी हुई हैं, अंदर से नहीं दिखेगा, बहुत बड़ा कुआँ है यहाँ पे। यहाँ पे अंकल जो है ना ये बेच रहा है, रोजी कर रहा है अपनी, अंगूठियाँ वगैरह है ना, ये पत्थर वाली अंगूठियाँ वो बेच रहा है। असली होती हैं ये जी? असली होती हैं पत्थर, असली होते हैं ये? आर्टिफिशियल भी हैं, असली भी हैं, सभी मिलते हैं अपने पास। पर जो है ना हैंडीक्राफ्ट्स, ये देखें हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह जो है ना सारा सिस्टम यहाँ पे मिल जाएगा आप लोगों को ना। ये इधर शॉप लगी हुई है, कपड़े लगे हुए हैं, ये हैंडीक्राफ्ट हाथों के बनाए हुए हैं सारे, ये देखें, ये देखें यहाँ पर जो है ना ये चीज़ें जो है ना हाथों की बनाई हुई हैं। तो यहाँ पर ये देखें गाइस, यहाँ पर वो ये छबियाँ हैं रोटी वगैरह रखने के लिए ना, ये हाथों की सारा सेटअप जो है, मुख्तलिफ किस्म के जो है ना सामान यहाँ पे मौजूद है, ये शॉप है उधर ही है बस। ये देखें कपड़े वगैरह, ये भी हैंडक्राफ्ट हाथों के बनाए हुए हैं सारे, ये चक्रे हैं काशी के बनाए मेरे ख्याल से, मार्बल पत्थर के, मार्बल के हैं, अंकल की शॉप है यहाँ पर, ये देखें। यहाँ से हम जाएंगे, और ये शेख हयाज की जो है ना कब्र है सामने की तरफ, शेख हयाज जो वाइट वाइट आपको दिख रहा है ना, तो ये शेख हयाज सिंध का शायद शेख हयाज। अब यहाँ से हम जाएंगे म्यूजियम, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई म्यूजियम,
और यहाँ से देखें तो हम म्यूजियम जा रहे हैं, अंदर एंट्री करेंगे। ओह हो प्यारा लुक आ रहा है कितना, देखें अंदर चलेंगे म्यूजियम के, तो बाकी आपको अंदर दिखाते हैं म्यूजियम में क्या क्या रखा है इन्होंने। तो यहाँ से हम जाएंगे, किताब बुक वगैरह बुक्स हैं, किताबें, ये ससुई है, ससुई ससुई पुन्नू आपने किस्सा तो सुना होगा, तो ये उसी का जो है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है ना उसका स्टेच्यू बनाया गया है। ये सोनी माहिवाल, सोनी माहिवाल, ये पे सोनी जा रही है, कच्चा गड़ा नहीं है, तो उसके ऊपर ये मोहब्बत थी एक किस्म की जो है ना गाइस। तो ये माहिवाल की तरफ जा रही थी, कच्चा गड़ा जो देखें टूट गया था, ये दरियाए, और ये जो है ना माहिवाल के पास जा रही थी सोनी। सोनी माहिवाल का किस्सा भी आपने अक्सर सुना होगा। के बाद जो है ना ये देखें, ये बनाया गया स्टेच्यू किसका, मूमल राणो का, मूमल एंड राणा, वो उमरकोट का पीछे किला भी है फोर्ट, तो बनाया गया अंदर की तरफ से। ये देखें, ये देखें, ये मुरली वगैरह भी रखी हुई है, और ये जो बनाया गया है देखिए गाइस, बहुत ही खूबसूरत यहाँ के नज़ारे हैं गाइस। तो आप लोगों को जो है ना यहाँ पे ट्राई करना चाहिए, ज़रूर आना चाहिए, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं आराम से, हैदराबाद से, कराची से, पंजाब से, रावलपिंडी से, कहीं से भी आप आ सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखे तंबूरा है, तो यहाँ पर ये देखे नूरी जाम तमाची। अब इसका भी किस्सा जो है ना बहुत ही सुनने जैसा है, ये किस्सा तो आपको जो आप YouTube के ऊपर सर्च करेंगे तो वहाँ भी आपको मिल जाएगा। नूरी जाम तमाची ये कराची का है, पहले कोलाची हुआ करता था कराची। तो यहाँ देखे ये पेड़ भी बनाया गया है, और वो देखे वो नूरी जा रही है, वो नूरी है, ये जाम तमाची है, इसको मगरमच्छ ने खा लिया था मेरे ख्याल से, यही किस्सा यहाँ इसकी यही है। ये देखे यहाँ पर दरिया वगैरह बनाया गया है, नूरी जाम तमाची। और आगे से चल रहे इमरान भाई, आप तो पहले हमसे विजिट कर रहे हैं यार, मैं दिखाऊंगा, हट जाए, मैं व्यूअर्स को दिखाने दो। तो व्यूअर्स ये देखें, उमर मारवी, उमर बादशाह, ये सामने उमर बादशाह का स्टेचू बनाया गया है, और यहाँ पे मारवी है, और वो जो है बानी है, नौकरानी समझो, बानी समझो, वो जो सारे जवाहरात वगैरह, ये देखें नीचे जवाहरात भी इन्होंने रखे हुए हैं, ये गाइस देखें ये जवाहरात वगैरह रखे हुए हैं, ये उमर बादशाह है। बाकी इसका किस्सा भी आपको जो है ना यूट्यूब पे हर जगह मिल जाएगा, गूगल के ऊपर भी आप ब्लॉग देख सकते हैं। ये जो है उमर मारवी के हिसाब से, इसका तो आपने काफ़ी सुना होगा जिक्र। आगे चलते हैं तो सुर का पाई, ये जो सुर का पाई है ना, शाह अब्दुल लतीफ भिटाई ने इसके बारे में बयान किया, ये सिंध का एक सकाफती कल्चर था। ये देखें यहाँ पे जो एक है, ये चरखा करके यहाँ पर एक कपड़े बना रही है, नहीं नहीं यहाँ पर ये कुछ बना रही है, नाड़ा बना रही है, और यहाँ पर ये देखें हाथों से बर्त वगैरह लगा रही है, और वो देखें कपास लेकर आ रही है, कपास, ये सिंध का कल्चर था पहले की तरह, जो शाह अब्दुल लतीफ भिटाई ने बैत के अंदर सुनाई। यहाँ पर ये चरखे की कटिंग हो रही है गाइस, वाह माशाल्लाह, ओल्ड टाइम का कल्चर दिखा रहे हैं इसके अंदर जो है ना, इसके जो है ना शाह अब्दुल लतीफ भिटाई ने बड़े प्यार से वजाहत की इन चीज़ों की, आपको देखनी चाहिए। और वहाँ से चल रहे हैं तो यहाँ से गाइस देखें, व्लॉग बहुत लंबा होने वाला है, आप इंटरेस्ट बोर नहीं होना प्लीज़। सोरठ, ये सिंध की सोरठ का है किस्सा, ये बादशाह है, उसकी दो रानियाँ हैं ये, बाकी इसका किस्सा भी आप कर सकते हैं। और जो है ना ये देखें, ये फकीर आया हुआ था, यानी कि दरवेश जो बर जाता है, ये बाजे वगैरह बजाते हैं अपने दौर के हिसाब से, ये बजाते थे। तो इन्होंने मेरे ख्याल से किस्सा बहुत ज़्यादा लंबा है, मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन राजा को इसने कहा अगर मैं आपको खुश कर दूँ, आपकी बीवियों को खुश कर दूँ कुछ सुनाकर, तो बदले में आप मुझे क्या देंगे। तो राजा ने कहा कि मैं आपको कुछ जो कुछ मांगे दे दूँगा, राजा की शर्त राजा ने हार ली। तो इसको जो है ना इसने कहा राजा को अपना सर दे, तो राजा ने वो सर इसको दे दिया। तो गाइस ये आप देखें, ये सामुंडी, ये भी कोई अलग किस्सा है मेरे ख्याल से, मुझे समझ में नहीं आएगा। और ये इसके अंदर समुंदर बना हुआ है, ये अंदर पत्थर समुंदर बना हुआ है, देखें ये भी एक किस्म का यहाँ से। और यहाँ से आपको दिखाऊं तो ये पेड़ लगा हुआ है, और यहाँ से देखें तो ये इसकी बेटियाँ हैं सामुंडी, पता नहीं कौन से किस्से हैं, मैंने तो नहीं दिखे, काफ़ी सुने हुए काफ़ी नहीं सुने, ये किस्सा भी मैंने नहीं सुना। ये भी शाह अब्दुल लतीफ भिटाई ने इसकी भिटाई ने वजाहत की हुई है गाइस। तो मीर भाई को और इमरान भाई को इजाज़त देना, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना, और हमें कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर भी करना अपने दोस्तों बहनों भाइयों के साथ और रिश्तेदारों के साथ, तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और दूसरी वीडियो कहाँ बनाए कैसी बनाए हमें कमेंट में ज़रूर।